हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग और राम राम भाई। सारा ने तो भाई अभी देखो, मैं एक बहुत प्यारी लोकेशन दिखाता हूँ। एक्चुअली बहुत पहले दिखा चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं इवनिंग के टाइम पे आया था, मॉर्निंग के टाइम पे नहीं आया हूँ। आज भाई मैं आया मॉर्निंग के टाइम पे। तो अभी करते हैं भाई अपने जो पैकेज है ना उसकी अनबॉक्सिंग, मतलब माइक जो अपन लेके आए उसकी अनबॉक्सिंग खतरनाक वाली करते हैं। उससे पहले भाई लोकेशन देखो, मेरी ये ना फेवरेट में से एक लोकेशन है, जो भी फेवरेट है। तो ये रहा भाई अपना पार्सल। सोचो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए कौन सी जगह पे आया हूँ। जगह तो काफी अच्छी है, बस पीछे थोड़ा सा खाई है, थोड़ा सा और पीछे खिसकूंगा ना सीधे नीचे। तो चलो इसका डब्बा खोलते और निकालते हैं यहाँ से। इसको नहीं निकालना, इसको थोड़ा सा मैं ये मैं उठा के लेके जाऊंगा, ये पहाड़ों में नहीं फेंकने वाला सारा कचरा। अब इसके बाद फाइनली आने वाला है कुछ नहीं। अरे ये रहा, ये देखो, ये रहा भाई होली लैंड का मार्क M2। ये मैं कल की वीडियो में दिखा चुका हूँ, बट अभी क्या है ना कि मुझे ये था ना कि इसको ओपन करना था और एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई एक ऐसी लोकेशन पे चलते जहाँ पे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। देखो मेरे को सर्कस में जा सकता हूँ। तो भाई मेरे पास कोई चाकू वाकू कटार वटार ये सब हम नहीं जानते भाई, हमको खाली नहीं हाथ से नहीं बनता भाई, लगा जाते थे, इसकी वजह से मैंने इसको लिया है। अभी इसको ओपन करते हैं। अरे ये तो बहुत ईजिली ओपन हो गया भाई, जो भी कचरा है ना तो मैं इस बॉक्स में डालूंगा। एक्स्ट्रा अपने को कुछ भी कहीं बाहर नहीं फेंकना है यहाँ पे, क्योंकि एज अ जिम्मेदार, क्या बोलते इसको, जिम्मेदार ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर मैं कचरा नहीं फैला सकता। थोड़ा दिखावा तो करना पड़ेगा ना सोशल मीडिया पे। मोर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता हुआ गाइस, कलयुग चल रहा है। ठीक है, इसका बॉक्स ओपन करते हैं। कहाँ से ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, कैसे ओपन होगा ये। अच्छा यहाँ पे वो लगा हुआ है भाई, टेप, एक और टेप लगा हुआ है। देखो देसी कटर नहीं भाई, 3 लाख रुपए का कटर है ये भाई। ये रहा कुछ बॉक्स, बॉक्स तो बहुत प्यारा दिया इन्होंने। एंड उसके बाद ओपन करते हैं। हाँ कागजात, ये मैंने इसके पहले ना रिव्यू वीडियोस बहुत देखे थे इसको ऑर्डर करने से पहले, तो उसमें ना ये बहुत दिख रहा था भाई। क्या ये स्टिकर्स बहुत दिख रहे थे, मतलब समझ रहे हो, देखना ये स्टिकर्स, ये उसके लिए जो माइक है ना अपना उसमें लगाने के लिए, कि आप उनको लगा सकते हो तो वो जो लुक होता है ना वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये मैनुअल गाइड, एक और जायदाद, और इसमें ना लिस्ट दी हुई है कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगा हम डायरेक्ट वही दिखा रहे थे, इसको पढ़ के क्या करेंगे यार। अभी मेन चीज रेडियो सभी, इसके अंदर भी एक अच्छी खासी रैपिंग है, इसको भी फाड़ेंगे, इसको भी फाड़ेंगे। और ये देखो यार क्या ही तो खतरनाक लग रहा है। तुम लोग को पता नहीं होगा इसके नीचे ना ऐसा गड्ढा टाइप का, कहीं उसमें घुस ना जाए, क्योंकि मैं ढूंढते रह जाऊं। इसमें दो चीजें और हैं, पहली तो ये देखो, ये लगेगा भाई आईफोन में, मतलब जो आईफोन 15 तो अभी टाइप सी हो गया है, बट ये लाइटनिंग पोर्ट है। जो पुराने आईफोन 13, 14, 12, 10, 11 है, वो जिनके पास होंगे ना इस पोर्ट को लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और है इसमें, ये रिसीवर है एक्चुअली, मतलब ये दोनों रिसीवर हैं। ये एंड्रॉयड में लग जाएगा, एंड्रॉयड में जो भी टाइप सी आता है, या फिर अभी आईफोन 15 में भी टाइप सी आने लगा है, तो उसके लिए ये रिसीवर है। और ये नॉर्मली क्या है ना कि जो आईफोन्स हैं पुराने वाले 14 के पीछे वाले सीरीज है उन पे ही लगने वाले हैं। दोनों रिसीवर सिमिलर है, बस पोर्ट का, ये जो जैक है ना इसका बस डिफरेंस है। एंड ये ट्रे आप ले सकते हो भाई, क्योंकि इसमें देखो ना एक ये बना हुआ है इसमें सांभर रखने के लिए और नारियल चटनी, और यहाँ पे आप डोसा रख सकते हो। तो बहुत प्यारा है, मैं इसको ट्राई करूंगा। अब इसके अंदर क्या है, ओह माय गॉड, इसके अंदर कुछ और है। ये है एक नशे की पुड़िया है, इसमें एक्चुअली ड्रग्स मैंने मंगाए इम्पोर्ट करके, कोई देख भी नहीं सकता इसको, तो थोड़ा दाने वाला ड्रग्स है, इसको बाद में अपन नशा करेंगे आराम से। और एक ये मिला है बैग झोला, जिसको मैं ले जाऊंगा स्कूल, काफी मोटा झोला। ये थैली, हमारे गांव में ना बुड्ढे होते ना तो इसको थैली बना लेते हैं, सच में चुनौती जिसको बोलते हैं, इसमें वो रख लेते हैं, क्या कहते हैं, सुपाड़ी वगैरह, क्योंकि इसमें एक एक बैग में ही जगह भी है। देखो बॉक्स, कैबिन, इसके झोरे के अंदर भी कैबिन देने लगे, मतलब एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी। अभी इसके अंदर भाई अपने को मिलता है चार्जर, एक टाइप सी टू ये USB, एंड उसके बाद इसके अंदर कुछ और है। इसके अंदर अभी ये क्या है भाई, ये है क्लिप्स, ये तो मैं भूल ही गया, दो क्लिप्स है। तो ये ना मैग्नेटिक क्लिप्स है, मैग्नेटिक है, तो इनमें क्या करेंगे अपन, इनको ऐसे करके और यहाँ पे लगाएंगे, तो जो अपना माइक है ना वो भी उसमें ही मैग्नेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो सोचो कितना अच्छा है। तो दो दिए हुए हैं,
अपन इनको नॉर्मल ऐसे लगा सकते हैं अंदर करके और फिर ऊपर से मैग्नेट, तो बेस्ट है ना भाई। फिर आता है कि केबल ऑक्स केबल है जो आई थिंक सो कि रिसीवर से लगेगा और कैमरे के लिए, कैमरे में यही लगेगा और ये भी एक रिसीवर दिखाऊंगा आपको तो उसमें लग जाएगा एंड आफ्टर दैट ये कैमरे में खुस जाएगा। मेन चीज जिसकी वजह से मैंने इसको मंगाया था, मेन चीज ये रहा अपना हार, दो दो हार, ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा, क्या गिरा पता नहीं। ये रहा हार और ऐसा लॉकेट एंड ये एक्सटेंड भी हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे करके और ऐसे करके, तो इसको नॉर्मली रुक जा मेरा सर थोड़ा सा बड़ा है एंड इसको नॉर्मली भाई अपन ऐसे पहन भी सकते हैं। ये देखो लुकिंग सेक्सी, देखो भाई ऐसा लग रहा है। तो जैसे अपन रिकॉर्ड करेंगे ना ऑडियो वगैरह तो यहाँ पे जो माइक रहेगा ना नॉर्मल यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा एंड लॉकेट की तरह अपन इसको यूज कर सकते हैं वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। और किसी को ना पहली बार में समझ में नहीं आएगा थोड़ा दूर से कि भाई इसने लॉकेट पहना हुआ है कि इसमें माइक लगा हुआ है, तो ये सबसे प्यारी चीज। इसके अंदर भाई ये दिया हुआ है माइक का कपड़ा, देखो ये एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कई जगहों पे ना विंड ब्लास्ट आता है ना बहुत तगड़ा वाला, तो उसके लिए दिया हुआ है कि हवा को बहुत हद तक ये रोक देता है, तो विंड ब्लास्ट वाली फरफराहट से कहीं आंधी वांधी नहीं चलती है उसके लिए ये। नॉर्मली तो ऐसे उसमें नॉइस कैंसिलेशन दिया हुआ है बट ये आंधी वांधी के लिए बेस्ट है तो काम अच्छा करेगा ये। सेम ये यही वाला एक और है भाई, ये पता नहीं कहाँ से आ गया यार हेलीकॉप्टर, पूरे वीडियो में खराब कर, देखो सुबह सुबह कहाँ जा रहा है और काफी ज्यादा पास में है, कहाँ से आ गया देख रहे हो यार हेलीकॉप्टर। वही मैं कब से सोच रहा हूँ कि बड़बड़ा क्या रहा है और इतनी सुकून वाली जगह में भी डिस्टर्बेंस करने आ गया बैंड यहाँ। भाई ये बहुत सॉफ्ट है यार, ये खाली हो गया भाई, तो ये इसको पहले कचरा जितना होगा ना उसको पहले अच्छे से रखेंगे। मेन चीज मेन आता है ये जिसके अंदर जादू का पिटारा, मतलब ये जादू का पिटारा है इसके अंदर जादुई चीजें हैं, तिलस्मी चीजें, तिलस्मी। तो चलो गाइस ओपन करते हैं जल्दी से, कुर्सी उर्सी कस लो, पेटी वटी जो भी हो, कमर वमर दिखाता हूँ, मेरे को नशा सा हो रहा है। पहले दिखाते हैं अपन इसको, ये देखो ये है भाई रिसीवर, मेन चीज कैमरे के लिए। हाँ तो मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसको बोला ना ये कैमरे में ऐसे एग्जैक्टली जो ये पोर्ट दिया हुआ है ना दिख रहा होगा आपको, ये पोर्ट में ऐसे फिक्स हो जाएगा एंड ये देखो और ये डायरेक्ट कैमरे में ऐसे खुस जाएगा ऐसे करके और लो काम चालू। ये दिया हुआ है ना ये घूमता भी है और बहुत प्यारी आवाज़ टिक टिक करके आवाज़ भी करता है। ये दोनों माइक हैं ठीक है ना, ये माइक से ना ये कनेक्ट रहेगा तो जो इस माइक की ऑडियो है ना उसकी जो ये क्लियरिटी रहेगी, मतलब समझ रहे हो ना कि मैं अभी धीरे बोल रहा हूँ ना, अभी इसको मैं तेज कर दूंगा तो ऐसे करके बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। तो आवाज़ को अच्छा कैप्चर करने के लिए ये कि कितना अच्छा कैप्चर होगा उसकी डेंसिटी और लेवल बढ़ाने के लिए एक तरह से ऐसा बोल दो। ये रही भाई मेन चीज़, और इसका साइज तुम इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा है भाई, सीरियसली कितना छोटा, एक 10 रुपए का कॉइन होगा ना उसके बराबर होगा ये, हाँ एग्जैक्ट उतना ही है। मेरे पास कॉइन नहीं है, मैं आपको दिखाता भाई, देखो ये अब तक का मेरे को लगता है सबसे छोटा माइक होगा इस प्राइस पॉइंट पे, सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन माइक है। तो ये भी अभी चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ना भी ऐसे देखो आप ऐसे पॉलीथीन लगे हुए हैं ठीक है ना, ये तो माइक का वो हो गया एंड यहाँ पे ये तीन डॉट दिख रहे हैं आपको, तीन डॉट, तो इन पे भी ऐसे पॉलीथीन लगी हुई है ऐसे छोटी छोटी सी, तो ये चार्ज हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको बॉक्स में डालूंगा ना तो ये चार्ज होंगे, तो उससे पहले मैं तीसरा वाला भी निकाल लेता हूँ और इसको इसकी जितनी भी पॉलीथीन वगैरह है इनको अपन निकाल लेते हैं। अभी इसमें कोई लाइट नहीं जल रही होगी बट अब जैसे ही मैं इसको बॉक्स में डालूंगा ये देखो रेड कलर की जलने लगी एंड सेम है जिसके साथ भी होगा, इसको मैं जैसे ही इसमें डब्बे में डालूंगा
अभी जलना स्टार्ट हो गई। तो अभी ये क्या है ना, चार्ज हो रहा है, एक्चुअली फुल चार्ज नहीं है ये नॉर्मल चार्ज हो रहा है। और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि इसका बैटरी बैकअप ना भाई, आप जितने भी माइक्स है ना, दो के दोनों माइक को आप दो बार चार्ज कर सकते हो, दो बार इस बॉक्स में। मतलब एक बार आप इस बॉक्स को चार्ज करो, उसके बाद फिर आप दो बार इस माइक को चार्ज कर लोगे। तो मेरे हिसाब से 9 घंटे का बैटरी बैकअप आपको एक माइक देता है, और उसको आप दोबारा चार्ज करोगे ऐसा करके, तो मतलब टोटल अपने को इसमें बैटरी बैकअप मिलता है 40 घंटे का। मतलब 40 घंटे तक आप टेंशन फ्री होकर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट बात है कि अगर मैं एक बार इसको चार्ज भी करूँगा ना, ये देखो यहाँ पे चार्जिंग कर रहा है, ये चार डॉट दिए हुए हैं ब्लू कलर के। ओ बैठ दिया, बंदर कहाँ से आ गया? खाने वाला कुछ नहीं है भाई, खाने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाने वाला, भाग जा। अरे बंदर कहाँ से आया भाई, चलो। अच्छा खासा वहाँ पे बैठ के मैं शूट कर रहा था, ये पता नहीं कहाँ से आ गए। मैडम जी, राम राम भैया, राम राम भाई सारे ने। और ये अकेले नहीं आई भाई, पूरी गैंग आई। वो देखो उधर गैंग, ये देखो पूरे चल के आ रही है, इसको देखो ये भी वेट कर रहा है। हाँ, गु, 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 गु। भाई हम जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, पूरी बंदरों की टोली आ रही है भाई। मेरा एक माइक लेके गया ना, मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो मैं फालतू रिस्क नहीं लूंगा। मैं सीधा निकल रहा घर की तरफ। ओ भाई मटर हो गया अपने। अच्छा ये टोली अलग है, वो टोली अलग है, तभी है। मेरे को बाकी चीज को डर नहीं है, मेन ये है ना कि ये पहाड़ों के बंदर है भाई, और मेरा एक माइक लेके गए ना, तो मेरा काम चालू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। 2000 years later. तो भाई वहाँ पे शूट कर रहे थे, और अभी मैं ये वीडियो ना शाम के टाइम पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंड नहीं कर पाया था। वहाँ पे मैं शूट कर रहा था, अचानक से पूरे बंदरों का गैंग आ गया, तो मेरे को ना सारा सामान, क्योंकि इसके एक एक पार्ट मैंने खोल के रखे हुए थे, और कोई सिंगल पार्ट भी गायब होता ना इसका, तो फिर ये किसी काम का नहीं था। क्योंकि मतलब माइक में ऐसा है ना कि हर एक पार्ट अपने अपने जगह पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस लोकेशन को हम चेंज करके यहाँ पे कुछ आ गए हैं। कुछ ऐसी लोकेशन है, अभी वो पहाड़ वाला इलाका खत्म हो गया है, मतलब मीन खाई वाला इन सेंस, और पहाड़ वाला भी है ये एरिया। तो अभी इसका जो मेन फीचर मुझे वो बताना था, जैसे अपने पास ये एडॉप्टर आते हैं, रिसीवर आते हैं, तो ये एक एंड्रॉयड के लिए हो गया, और आईफोन 15 जैसे मैं बता चुका हूँ, और ये आईफोन 14 और उसके पीछे वाले सीरीज के लिए, क्योंकि उसमें लाइटनिंग पोर्ट आता था। और एक जैसे इसमें आता है भाई ये जो अपने DSLR वगैरह में यूज़ होते हैं, तो उसके लिए रिसीवर है। तो अभी हमारे पास कैमरा तो है नहीं, तो इसका मैं यूज़ अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी देख लेंगे। बट अभी मेरे पास क्या है ना, आईफोन है और एंड्रॉयड भी है, तो इसको मैं पॉकेट में रखता हूँ। और अभी एंड्रॉयड में जैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं इस रिसीवर को ना आईफोन में लगा के माइक की आपको ऑडियो सुनाऊंगा। जैसे ये रिसीवर टाइप सी है, मेरा ये टाइप सी भी है, तो जैसे नॉर्मली ऐसे इसमें लग जाएगा, और ये लग गया, तो अभी ये यूज करने लायक हो चुका है। और फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो इससे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो हमें इसको निकालना नहीं पड़ेगा, एज इट इज ये लगा रहेगा। और हमें अगर वीडियो प्ले करना है, उसकी ऑडियो सुननी की रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम ऐसे ही नॉर्मली कर सकते हैं, तो हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार हो गया तो हो गया। और एक इसमें प्लस पॉइंट ये भी कि चार्जिंग नहीं मांगता, कोई भी चार्जिंग नहीं इसमें, आप नॉर्मली इसमें प्लग एंड प्ले है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि बैटरी वाला सीन है। और इसमें आप देखो यहाँ पे टाइप सी भी दिया हुआ है, ये इस वाले में भी दिया है और इस वाले में दिया है। तो अगर इसमें हम अपन क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फोन से, आईफोन से, और फिर एंड्रॉयड से कर रहे हैं, और फोन की बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि इसमें तो बैटरी लग नहीं रही है और इसमें लग रही है बैटरी, तो अगर इसकी बैटरी डाउन हो जाती है ना, तो हम नॉर्मली इसमें अपन चार्जर पिन करके और इसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो ये सबसे अच्छा है। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, इसको लगाते हैं अपने आईफोन में, और फिर मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ कि इसका फीडबैक कैसा है। एक नॉर्मल मोड में करेंगे, और नॉइस कैंसिलेशन में वाला क्या करेंगे, अपन उसको रात के टाइम पे मार्केट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि भाई कैसा है नॉइस कैंसिलेशन इसका भी। को नॉर्मल निकालो और कनेक्ट हो जाते हैं, तो आई थिंक सो कि कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि शायद से इसी से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने घर पे कनेक्ट किया था ना, नॉर्मली कनेक्ट हो गया था। तो अभी हम देखते हैं कि इसका रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें माउंट में मैंने लगा लिया, तो अभी अलग से दिखाता हूँ, ये ऐसा कुछ माउंट आता है, तो नॉर्मली इसको अपन यहाँ पे लगाएंगे, और मैग्नेटिक है, इसमें पूरा प्लग हो गया भाई आराम से। तो अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ना भाई, इसी से रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा कैसा इसका ऑडियो है। अभी नॉइस कैंसिलेशन इसमें ऑन नहीं है, तो आपको जो बैकग्राउंड नॉइस थोड़ी बहुत आ रही है, क्योंकि यहाँ से रोड के साइड में ना गाड़ियाँ भी जा रही हैं, हम लोग एकदम रोड के साइड पे खड़े हुए हैं, तो बड़े बड़े गाड़ियाँ भी जा रही, छोटी गाड़ियाँ भी जा रही हैं, तो जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है एकदम नेचुरल हो रही है इस माइक से, कोई भी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है।
तो भाई मेरे लिए ना इस माइक की ऑडियो के साथ साथ ना इसकी डिस्टेंस भी मैटर करती है कि भाई इसकी रेंज क्या है, क्योंकि मैं अगर इन फ्यूचर वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा तो मैं पास से मैक्स टू मैक्स इतना ही रिकॉर्ड करूंगा, बट मेरे कुछ शॉट रहेंगे जो दूर से भी रिकॉर्ड होंगे। तो अभी हम इसका एकदम डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई इसकी कितनी डिस्टेंस पे परफेक्ट ऑडियो आती है। A few moments later. तो भाई जो मैं बोल रहा था ना कि मुझे एक डिस्टेंस इसका मेजर करना है, क्योंकि मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वही होता है कि कितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ऐसे ऑडियो कैप्चर कर सकता है। तो भाई ये रही कुछ ऐसी डिस्टेंस, मुझे लग रहा है कि वहां से मैं क्लियर नहीं आ पा रहा हूंगा, लेकिन ऑडियो मेरे को लग रहा है कि आई थिंक सो कि प्रॉपर जा रही होगी। और भाई मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ऑडियो तो मेरे को लग रहा है कि कैप्चर कर लेगा, बट जो कैमरा का डिस्टेंस है ना कुछ ज्यादा हो गया है, तो मैं क्लियर नहीं आ रहा हूंगा फोन में। तो भाई ऑडियो तो बढ़िया है, रेंज इसकी काफी अच्छी है, मैं कोशिश करूँ क्या थोड़ा सा ऊपर जाने की। तो आई थिंक सो कि वो लोग नीचे से रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं काफी ज्यादा आ चुका हूँ, और इतना मेरे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो भाई क्या है ना, नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करने से पहले मैं आप लोग को डिस्टेंस दिखा देता हूँ कि मैं कितना दूर से इसको रिकॉर्ड कर रहा था, और अभी जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है ना इसी माइक से हो रहा है, और मेरा फोन से ही कनेक्टेड है पूरा। तो ऑडियो का आपको रेफरेंस भी आ जाएगा कि अगर आप ब्लॉगिंग भी करो तो कितना हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। आपको मैं डिस्टेंस दिखाता हूँ कि वो जो बाइक खड़ी ना मेरी करीबन वहीं से, यहाँ से एग्जैक्टली इतनी डिस्टेंस है, फोन में वो दिख नहीं रहा बट सच में बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसकी जो रेंज है ना मेरे को लग रहा ना कि इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट है, और ऑडियो भी बहुत क्लियर रिकॉर्ड हो रही है, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो अभी चलते हैं अपन रोड के पास खड़े होते हैं, नहीं तो मार्केट के साइड चलेंगे, और इसका टेस्ट करेंगे कि भाई इसका जो नॉइस कैंसिलेशन वो कैसा। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एकदम नॉर्मल है, कोई भी मोड ऑन नहीं है, अभी इसमें एक ही तो मोड आता है नॉइस कैंसिलेशन करके, अभी नॉर्मल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी रोड में चलते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं, तो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, नहीं तो चलते हैं मार्केट। मार्केट से बेस्ट तो कोई जगह हो ही नहीं सकती, वहाँ पे तो काफी ज्यादा कचपच होता रहता है, तो डायरेक्ट वहीं पे चलते हैं अपन। A few moments later. तो भाई अभी हम इसका करने वाले हैं नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट, और मार्केट में भीड़ भाड़ इलाके में कैसा इसका ऑडियो रिकॉर्ड होता है। तो अभी ये एकदम नॉर्मल मोड में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन करता हूँ, एंड ये देखो ग्रीन लाइट जल चुकी है, आई थिंक सो कैमरे में नहीं आया होगा। तो अभी ना इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है, मेरे पास से गाड़ी अभी जा रही है, मैं एकदम रोड के पास खड़ा हूँ, और मुझे लग रहा है कि भाई अच्छा वर्क कर रहा होगा, रेंज में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम अपने को ये समझना था कि नॉइस कैंसिलेशन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बगल से बाइक गई और नॉइस कैंसिलेशन अभी परफेक्ट वर्क कर रहा होगा मेरे को लग रहा है। तो भाई अभी हम लोग ना गाड़ी पे ऐसे एज अ मोटो ब्लॉग की तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा इसमें मोटा मोटा। तो अभी आप देख सकते हो ये लोग आगे शूट कर रहे हो और मैं बाइक भी चला रहा हूँ, क्योंकि जितना मेरे को लग रहा है विंड ब्लास्ट बाइक में आएगा उतना किसी में भी नहीं आएगा। और आई थिंक सो कि मैं क्लियर आ रहा हूँ, क्योंकि लाइट बहुत कम है और हवा भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन अभी ऑन नहीं है। अभी मैं इसका करता हूँ नॉइस कैंसिलेशन ऑन, और फिर अपन देखेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो देखो ग्रीन लाइट जल चुकी है, और अभी इसका क्या है ना नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। तो अभी मेरे को लग रहा है ना कि परफेक्ट भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने ही मैंने टेस्ट किए हैं, मैंने ऑडियो सुनी है रिकॉर्ड कर करके, एकदम प्यारी आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लग रहा है ना कि बेस्ट है भाई, अगर मैं मोटो ब्लॉग में भी इसको यूज़ कर लूँ तो मेरे को लगता है कोई दौरा नहीं है। और बाइक में चलते हुए इतने विंड ब्लास्ट, क्योंकि बाइक में जितना विंड ब्लास्ट आता है नॉर्मली उतना कहीं नहीं आएगा, तो चलते हुए भी अगर इतने विंड ब्लास्ट में रिकॉर्ड कर रहा है तो परफेक्ट है। मैंने इसके हर तरह से रिकॉर्ड कर लिया और हर तरह से टेस्ट कर लिया माइक को कि कैसा हर जगह और हर कंडीशन में रिस्पॉन्स इसका कैसा रहेगा। डिस्टेंस भी अच्छी खासी मेनटेन कर रहा है ये, ठीक है, और नॉइस कैंसिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल भी अगर नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं करूंगा, नॉर्मल एरिया में भी अच्छा खासा रिकॉर्ड करता है। बैटरी बैकअप है ही अपने पास 40 घंटे का। एक सिंगल माइक में अपने को जो ये है ना जो मैंने लगाया हुआ डेडिकेटेड माइक में, इसमें अपने को करीबन मिलता है 9 घंटे का बैकअप। तो मेरे को लग रहा है इतना अपने लिए बेस्ट ही होगा। तो आई थिंक सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा रिव्यू वाला। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी वीडियोज अभी आने वाले हैं सारे इसी माइक से मैं टेस्ट करूंगा। ये कोई टेक्निकल ऐसे अनबॉक्सिंग वाला कुछ नहीं था, टेक चैनल नहीं है मेरा, बट मैं अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है मेरे थ्रू जिसको नॉलेज होगी इसके बारे में सब अच्छा ही यूज़ करें, तो ये बेस्ट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।